अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सारे दोस्त अल्लाह के रहम करम से ठीक होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों होंडा सिविक है 2005 मॉडल, इस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ मैं आज की वीडियो में। तो मेरी गुजारिश है उससे पहले कि चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को ऑल पर क्लिक कर लें। दोस्तों होंडा सिविक है 2005 मॉडल है, साइडें इसकी शावर्ड हैं, EXI मैनुअल 1500 CC। दोस्तों ये गाड़ी है गुजरांवाला की, ये रजिस्टर्ड है, 7000 जो है इसका नंबर है। बाकी ये देख सकते हैं गाड़ी की जो कंडीशन है, बंपर जो है इसका, इसमें हल्के फुल्के जो स्क्रैचेस हैं ये मौजूद हैं। बाकी जो टायर हैं इसके, टायर इसके ठीक हालत में है, अलॉय रिम जो है ये टायरों में मौजूद हैं इसके, फेंडर जो है इसका ये बिल्कुल नीट हालत में है, और जो बोनट है इसका ये भी बिल्कुल ठीक हालत में है, कोई भी डेंट वगैरह जो इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है। बाकी गाड़ी के जो टायर हैं ये बिल्कुल ठीक हालत में है, साइडों का जो पेंट है ये आप देख सकते हैं, गाड़ी जो है ये साइडों से शावर्ड है लेकिन कंडीशन जो है इसकी ठीक हालत में है। देख सकते हैं जी बैक साइड से भी इस गाड़ी की जो कंडीशन है, बैक बम्पर इसका देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हालत में है, और इसके अलावा जो इसकी लाइट्स हैं इनके ऊपर ये ब्लैक जो डिज़ाइनिंग है पेपर की ये की गई हुई है। बाकी ये देख सकते हैं इसकी बैक स्क्रीन और इसका ऊपर से जो छत है ये बिल्कुल ठीक हालत में है, और इसके अलावा जो है दिखा देते हैं अंदर से भी जो गाड़ी की कंडीशन है। देख सकते हैं गाड़ी के डोर के गत्ते और सीलें जो हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, और ये देख सकते हैं इसका जो है डैशबोर्ड बिल्कुल ठीक हालत में है, और इसमें जो है मैनुअल गियर ट्रांसमिशन दोस्तों मौजूद है, एसी वगैरह इसका बिल्कुल ठीक है, और टेप जो है दोस्तों इसमें लगी हुई है। बाकी देख सकते हैं इसकी मैटिंग वगैरह नीचे, और सीट्स भी इसकी बिल्कुल ठीक हालत में गाड़ी की सीट्स मौजूद हैं, और कोई भी सीट इसकी फटी या रफ हालत में मौजूद नहीं है। बाकी देख सकते हैं इनसाइड अंदर से जो गाड़ी का छत है ये आप लोग देख सकते हैं, और अभी जो है मैं दिखा देता हूँ इसका जो बैक रूम है, बैक रूम के डोर के गत्ते वगैरह सीलें वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हैं, और इसके अलावा जो बैक सीट्स हैं इसकी ये भी बिल्कुल ठीक हालत में है, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। जो बैक सीट की मैटिंग है नीचे देख सकते हैं ये भी बिल्कुल ठीक है, और अभी जो है गाड़ी की दिखाते हैं गाड़ी का इंजन आपको, और फिर इस गाड़ी की जो डिमांड है ये बता देते हैं कि इस गाड़ी की जो डिमांड है ये क्या की जा रही है। दोस्तों ये जो गाड़ी है ये मौजूद है अल रहमान मोटर्स पर। जी हाँ दोस्तों, अल रहमान मोटर्स पर ये गाड़ी मौजूद है गुजरांवाला में। जब आप पिंडी बाईपास से रावल की तरफ आते हैं तो बिल्कुल आपके जो है इसी रोड पर अल रहमान मोटर्स का जो साइन बोर्ड है नज़र आ जाएगा, यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है। तो इसकी इसका जो इंजन है ये दिखा देते हैं जल्दी से आपको, और फिर इसकी जो डिमांड है ये बता देते हैं। जी जी दोस्तों, ये देख सकते हैं इस गाड़ी का इंजन, और 1500 CC दोस्तों इसका इंजन है, मैकेनिकली गाड़ी ठीक है। फ्रंट पट्टी इसकी देख सकते हैं, ये इसकी बैटरी है और ये इसकी बोनट की सील्स हैं। मैकेनिकली गाड़ी बिल्कुल ठीक है, 1500 CC है, और अभी इस गाड़ी की जो डिमांड है ये आपको बता देते हैं। दोस्तों इस गाड़ी की जो डिमांड है ये की जा रही है जी 10.5 लाख रुपया इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। अगर कोई दोस्त कोई भाई इंटरेस्टेड है इस गाड़ी में तो स्क्रीन पर मैंने जो है शोरूम वालों का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।